अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आपने इंट्रो में देखा, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से अपने किड्स चैनल के लिए कुछ इस तरीके के हिंदी स्वरमाला के एनिमेटेड वीडियोस कैसे बना सकते हैं। इस तरीके के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करके लोग लाखों कमा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप भी इस तरीके के वीडियोज़ बना करके यूट्यूब से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो सिंपल दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल में या इस एप्लीकेशन में आ जाना होगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है इमेज सर्च मैन। यह एक फ़ोटो डाउनलोडर एप्लीकेशन है, तो यह काम आप गूगल पर भी कर सकते हैं अन्यथा आप इस एप्लीकेशन में भी। सिंपल आप इस एप्लीकेशन या गूगल में आए, सर्च बार पर टाइप करें और यहाँ पर आपको सर्च करना है हिंदी स्वर। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे हिंदी स्वरमाला के जो चार्ट वगैरह होता है वो देखने को मिल जाएगा। इसमें जो भी फोटोज आपको अच्छा लगे सिंपल आप उस पर क्लिक करेंगे। उदाहरण के लिए हमने इस फोटो पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे कि तो नीचे आपको यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपल आप इस डाउनलोड एरो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने यह फोटो आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। तो सिंपल इतना करने के बाद आपको एक और फोटो डाउनलोड करना होगा। आप हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह फोटो कुछ इस तरीके का होगा, PNG फॉर्मेट में होगा, तो सिंपल आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो सिंपल ये दो प्रोसेस करने के बाद अब आपको आ जाना है अपने मोबाइल फ़ोन के किसी भी वीडियो एडिटर एप्लीकेशन में। हम यहाँ पर काइनमास्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल काइनमास्टर में आने के बाद उस फोटोज़ को आपको ले लेना है जो कि हिंदी वर्णमाला वाला आपने डाउनलोड किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इस फोटोज़ को डाउनलोड किया था, तो हम यहाँ इसे ले लेते हैं। इसे लेने के बाद थोड़ा सा इसका जो ड्यूरेशन है आपको बढ़ा देना है, लगभग 1-2 मिनट के करीब, कुछ इस तरीके से। तो सिंपल इतना करने के बाद अब आपको आ जाना है यहाँ पर फर्स्ट में। फर्स्ट में आने के बाद इस लेयर वाले बटन पर क्लिक करना है और इस मीडिया फाइल पर क्लिक करना है। मीडिया फाइल पर क्लिक करने के बाद अब आपको उस PNG हैंड को ले लेना है जो कि बच्चों वाला हैंड था। इसका लिंक हम अपने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सिंपल हमने इस हैंड को यहाँ पर ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद थोड़ा सा आपको इसे एडजस्ट करना है, कुछ इस तरीके से आप इसे रोटेट कर दें। रोटेट करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, ये जो हैंड का फोटो है इसको भी अपने फुल ड्यूरेशन तक बढ़ा लें, जहाँ तक आपका वीडियो का ड्यूरेशन है। चलिए हम इसे बढ़ा लेते हैं। इतना करने के बाद थोड़ा प्रोजेक्ट को इस तरीके से जूम कर ले। जूम करने के बाद आपको थोड़ा ध्यान यहाँ से देना है, जैसा कि हम यहाँ वॉइस ओवर जब करेंगे तो इसमें बोलेंगे अ से अनार, तो उसके लिए हमें थोड़ा टाइमिंग चाहिए और उस टाइमिंग के हिसाब से हम इस हैंड को सभी के पास एडजस्ट करेंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे। जैसे हम प्ले करेंगे कुछ इस तरीके से चलेगा, अ से अनार, यानी कि 1 लीटर को हमें बोलने में लगभग 1 से 1.5 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो हम यहाँ पर 1-1 सेकेंड 1.5-1.5 सेकेंड पर आएंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर कट लगा देंगे इस इमेज में, हैंड वाली इमेज। कट लगाने के बाद थोड़ा सा आगे की ओर खींचेंगे कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा आगे, ज़्यादा नहीं, और फिर से 1.5 सेकेंड अप्रॉक्स रुकेंगे। इसके साइज़ को हम देख लेंगे, ये जहाँ तक है इतना साइज तक ही अगले पार्ट को हम फिर से यहाँ से कट कर देंगे कुछ इस तरीके से, अंदाज से, यानी कि देख लेंगे कि कितना होना चाहिए सभी का जो साइज है। बीच की जो गैप है, ये वाला गैप आप देख पा रहे हैं, ये वाला गैप, दोनों इक्वल होना चाहिए। उसके बाद ठीक इसी तरीके से हम कट लगा देंगे। हमें यहाँ आप तक कट लगाने होंगे 12-13 कट, यानी कि अ की संख्या जितनी होती है उतना आपको कट यहाँ पर लगाना होगा, पार्ट बनाना होगा। तो सिंपल इस तरीके से हम पहले कट लगा लेते हैं और थोड़ा थोड़ा सबको इस तरीके से आगे बढ़ा लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस फिर से आपको दिखाते हैं। तो सिंपल दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको सभी में कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद अब आपको इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए सिंपल सबसे आप पहले पर आएंगे, पहले पर आने के बाद यहीं पर रहेंगे, उसके बाद पहला तो हमारा एडजस्ट है ही, दूसरे वाले पर क्लिक करना है और आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद थोड़ा सा इसकी हैंड को कुछ इस तरीके से रोटेट कर देना है, ताकि लगे कि हाँ बच्चा है जो बीच में बैठा हुआ है अपने हाथ को चारों रोटेट करके बोल रहा है, पढ़ रहा है। इस तरीके से फिर से हम तीसरे वाले पर क्लिक करेंगे और इससे जो इमली है उस पर हम क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से इसे रोटेट करा देंगे। फिर से हम ये वाले पर क्लिक करेंगे और जो इससे ईंक है इस पर हम कुछ इस तरीके से रोटेट करा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंड थोड़ा दिख जा रहा है, तो इसकी साइज़ को हम यहाँ से आगे पीछे छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि ये कटा हुआ हैंड का नीचे वाला जो भाग है वो दिखना नहीं चाहिए। फिर कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर उससे उल्लू है इसके लिए एडजस्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर जो उससे ऊन है उसके लिए एडजस्ट कर लेंगे। ठीक
किसी तरीके से हम सभी हैंड को सभी लेटर के लिए अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। अब आप एक बार प्ले करके देखेंगे तो यह कुछ इस तरीके से एनिमेट होगा, आपको दिखाई देगा कि कोई हाथ धर के पढ़ा रहा है। फिलहाल इसमें साउंड नहीं है, आगे हम बताएंगे साउंड कैसे ऐड करना है। चलिए एक बार प्ले करके देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से इंक, उससे उल्लू, उससे ऊन, रिसे ऋषि, ऐसे एड़ी, उसके बाद ऐसे एनक, ओ से ओखली, और से औरत, और अंग से अंगूर, और आ से जो नमा होता है वो हो गया। कुछ इस तरीके से हो गया। अब हमें इसमें साउंड डालना है, तो साउंड डालने के लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर आना होगा। यहाँ पर आने के बाद सिंपल आपको इस रिकॉर्ड वाले बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से प्ले हो जाएगा। सिंपल आपको देखते जाना है कि हमारा हैंड किस लेटर पर जा रहा है, और उस लेटर पर जो कुछ भी शब्द है, जो कुछ भी फिगर है, उसे आपको बोलते जाना है। जैसे कि यहाँ अ है, अ पर हमारा हैंड है, और यहाँ अ से अनार है, तो सिंपल हम बोलेंगे अ से अनार। फिर से हमारा हैंड जाएगा आ पर, और आ से आम है, तो यहाँ पर बोलेंगे आ से आम। तो सिंपल आपको इस रिकॉर्ड वाले पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये प्रोजेक्ट प्ले हो जाएगा। सिंपल आपको बोल देते जाना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपने वॉयस को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम यहाँ पर अपने वॉयस को ऐड कर लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा वॉयस यहाँ पर ऐड हो चुका है। चलिए आपको एक बार प्ले करके दिखाते हैं, उसके बाद इस वॉयस की जो एडिटिंग है वो प्रोसेस आपको दिखाते हैं। अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईंक, छोटी उसे उल्लू, बड़ी उसे ऊन, रिसे ऋषि, छोटी ऐसे एड़ी, बड़ी ऐसे एनक, ओ से उखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आ से नमा। तो सिंपल इस तरीके से आपको वॉयस को रिकॉर्ड कर लेना, यानी कि वॉयस ओवर कर देना है। अब आपको इस वॉयस की मिक्सिंग करना है। उसके पहले आपको बता दें कि इस वॉयस में अगर आप बच्चों वाला इफेक्ट देना चाहते हैं, जैसा कि लगे कि यहाँ कोई बच्चा बोल रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले आप इस मिक्सर वाले बटन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको पिच लेवल को 3 के करीब कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो वॉल्यूम है, इसे ऑटो को ऑन कर देना है। ऑटो को ऑन करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे तो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको वॉइस चेंजर का, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक किड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपल आपको इसे किड वाले को सिलेक्ट कर देना है। किड वाले को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रिवर्ब में जाना है, और यहाँ से आपको स्टूडियो को सिलेक्ट कर लेना है। फिर से आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ गया यार, हाँ इक्वलाइजर का, इसमें भी आना है आपको, और वॉइस वाले पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो साउंड यहाँ से परफेक्ट कुछ इस तरीके से बच्चों की आवाज में लगभग सुनाई देगा। चलिए सुनते हैं। तो सिंपल इस तरीके से आपको अपने वॉयस को ऐड कर लेना है, सभी जो एनिमेशन वगैरह है वो सबको अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद इसी तरीके से प्ले करके देख लेना। उसके बाद सिंपल आपको इस शेयर वाले बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ से अपने साइज को सिलेक्ट करना है, और सिंपल सेव एज वीडियो पर क्लिक कर लेना है, और इसे सेव कर लेना है। तो फाइनली आप देख सकते हैं मेरा वीडियो लगभग सेव हो चुका है। चलिए आपको यहाँ पर एक बार प्ले करके दिखाते हैं। तो ये मेरा सेव हो चुका है। सेव होने के बाद सिंपल आपको इस प्ले पर क्लिक करना है। प्ले पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपने मीडिया प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके से सुनाई देगा। तो सिंपल इस तरीके से आपको बना लेना है। बनाने के बाद सिंपल 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, और इस शेयर पर क्लिक कीजिए, और अपने YouTube चैनल पर इसे शेयर कीजिए, कमाई कीजिए। वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसमें अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर सलाह सुझाव सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर अब तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसे लगे। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।